हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्पोकन इंग्लिश की क्लास है और इसमें हम स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। और स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें आपका ग्रामर जानना बहुत जरूरी नहीं है। विदाउट लर्निंग ग्रामर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। इसमें क्या होता ना कि जैसे वीडियोज की जो सीरीज होती है कि एक वीडियो के बाद का आपको देखना पड़ेगा, उससे पहले का देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, वैसा इसमें कुछ नहीं होता है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट वीडियो होता है। तो आज जो हम सीखेंगे स्टूडेंट्स, वो है हैज टू, हैव टू का यूज। इसमें से भी हमें जो सीखना है वो हैव टू का यूज सीखना है, ठीक है। तो हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रक्चर है जो हमें सीखना है। इसमें क्या करना है हमें कि कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। कोई काम करना है, जैसे मुझे दौड़ना है, मुझे खेलना है, मुझे सुबह जल्दी जगना है ना, मुझे स्विमिंग करनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। कोई काम आपको करना है, आपको क्या करना है, आपको अब प्रैक्टिस करनी है, आपको क्या करना है, आपको मूवी देखनी है ना। कोई काम आपको करना है या फिर कोई काम करना पड़ता है, करना पड़ता है। लाइक मैं कहूँ कि मुझे सुबह जल्दी जगना पड़ता है, एक मैं कहूँ कि मुझे सुबह जल्दी जगना है, मतलब मैं अपनी मर्जी से जगना चाह रहा हूँ, और एक है कि मुझे सुबह जल्दी जगना पड़ता है। एक मैं कहूँ मुझे पैदल चलना है, मतलब चलना है, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, और मुझे पैदल चलना पड़ता है, समझ रहे हो। मुझे सुबह जल्दी जगना है मतलब कोई काम मुझे करना है, और मुझे करना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी जगना पड़ता है, ठीक है। मुझे पैदल चलना है, मुझे पैदल चलना पड़ता है। मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, समझ रहे हो ना। इस सेंस से हम हैज टू, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए, तो हम पहला सेंटेंस लेते हैं, मुझे घर जाना है। तो जाना है और जाना पड़ता है, हम जो हिंदी में है हम कह सकते हैं मुझे घर जाना है, या हमारा एक दूसरा इंडिपेंडेंट सेपरेट सेंटेंस हो जाएगा कि मुझे घर जाना पड़ता है। लेकिन इन दोनों की इंग्लिश है ना एक ही बनती है, पता है वो क्या है, आई हैव टू गो होम। व्हाट इज दैट, आई हैव टू गो होम। तो हमें इसको क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एज यू कैन सी, आई हैव टू एंड गो होम, आई हैव टू एंड गो होम, आई हैव टू एंड गो होम। सो दीज आर टू सेपरेट पार्ट्स। आप इसे एक सेंटेंस ना समझे, मतलब है अनडाउटेडली एक सेंटेंस ही, बट फॉर आर कन्वीनियंस वी हैव टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम, बाद में हम एक साथ फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे जैसे आई हैव टू गो होम, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है आई हैव टू, आई हैव टू, इसको हम इन शॉर्ट ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव टू गो होम, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू डांस, आई हैव टू लर्न स्विमिंग, समझ रहे हो, आई हैव टू। So, आपको जो भी अच्छा लगे, वट एवर इज साउंडिंग बेटर, यूज करिए आप। जैसे मुझे कहना है कि मुझे घर जाना है, ठीक है, तो आई हैव टू गो होम, ये दूसरा वाला है, इसके लिए मुझे घर जाना पड़ता है, इसके लिए भी यही बनेगा आई हैव टू गो होम, ठीक है। तो हम फॉर द कन्वीनियंस हम इसमें से पहला वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला है उसका भी यही बनेगा, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस उसकी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा और मेरे साथ साथ आपको बोलना है। देखिए, स्पोकन, अगर आप स्पोकन में क्या है कि आप ग्रामर के रूल्स अगर आप मतलब सीख लेते हो, है ना, आपने सेंटेंस फ्रेम करना सीख लिया है, फिर भी आप बोल नहीं पाओगे। एक बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे जनरली जो देखा जाता है, एक्सेप्शन बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली जो देखा जाता है, जैसे हिंदी मीडियम के हमारे जो स्कूल्स होते हैं उनमें टीचर इंग्लिश के होते हैं, वो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, वो ग्रामर के रूल्स जानते हैं, वो पढ़ाते हैं, लेकिन जब बात बोलने की आती है तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश तो आती है, बट उनको बोलना नहीं आता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपको स्विमिंग सीखनी है, आप बुक जो है वो पूरी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, सारी टेक्निक्स आपको आती है, ब्रेन में है, लेकिन जब आप पानी में उतरेंगे आप नहीं तैर पाएंगे। क्यों नहीं तैर पाएंगे? क्योंकि तैरने के लिए तैरना पड़ेगा, राइट, तो बोलने के लिए बोलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ बोलना है, जैसे मैं यहां बोलूंगा आपको उसको रिपीट करना है, ठीक है। तो देखिए, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम, आपको बोलना है मेरे साथ में ना, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम,
मुझे घर जाना है आई हैव टू गो होम। मुझे स्कूल जाना है आई हैव टू गो स्कूल। बोल रहे हो ना, मुझे स्कूल जाना है आई हैव टू गो स्कूल। देखिए बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अनलेस यू स्पीक यू कैन नॉट स्पीक। और अभी आप धीरे 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 बोलने लगेंगे ना, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली जब कभी आप बोलना चाहेंगे तो विदाउट हेजिटेशन ये चीजें बाहर आएंगी, ये सेंटेंस आने लगेंगे, नेचुरली आने लगेंगे। नहीं तो आपको पता है, सपोज करिए आप बैंक में गए हो, लाइन में खड़े हुए हो, आपको कुछ कहना है, ठीक है, आपको आप जानते हो उसकी इंग्लिश क्या है, ठीक है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, लेकिन आप वहां पर बोल नहीं पाओगे और आप जाके हिंदी में बात करके आ जाओगे। आने के बाद भी आप जानते हो फ्लुएंसी से बोल सकते हो, फिर भी क्यों? क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस नहीं की ना आपने, तो वो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको बोलना है, तो मेरे साथ बोलने से क्या होगा, वो चीजें आप उन सेंटेंसेस की यूज टू होने लगोगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे स्कूल जाना है आई हैव टू गो स्कूल। मुझे स्कूल जाना है आई हैव टू गो स्कूल। मुझे स्कूल जाना है आई हैव टू गो स्कूल। मुझे स्कूल जाना है आई हैव टू गो स्कूल। तो ये जो हमारा चैनल है, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए वीडियोज बना रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज होंगे और मैं ऑलमोस्ट आपको अश्योर कर सकता हूँ, अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है, स्पोकन जो है, वो काफी अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। और साथ के साथ हमारा जो ग्रामर का अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां पर हमारे ग्रामर के जो वीडियोज हैं वो टेंसेस से शुरू होते हैं, फाउंडेशन जीरो लेवल से, स्केच से, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक वो जा रहे हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, इस तरह से वहां पर वीडियोज हैं, तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप वीडियोज दे सकते हो, एक के बाद दूसरा, तीसरा, सब में नंबरिंग डली हुई है। तो एक तरह से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए और इसके बाद आप वहां से एक साथ में ग्रामर भी सीखते जाइए। अगर आप दोनों चीजें सीख जाते हो तो फिर आपको लगभग कंप्लीट इंग्लिश आ जाएगी, या ऐसे कह लीजिए आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस वाले सेक्शन में लास्ट में मैं वहां पर ये भी बता रहा हूं कि हमें जैसे बातचीत करते हैं तो सेंटेंसेस हमें बनाने होते हैं, और जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो उनमें बहुत सारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, तो सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना, वो बहुत सारी चीजें, मतलब एक तरह से ट्रांसलेशन टाइप का कह लीजिए, वैसा भी मैं बता रहा हूँ वहां पे। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रूल सीखने से जनरली क्या होता है, बच्चे सेपरेट इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग दे फेल टू स्पीक एज ए रिजल्ट, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैंने वहां पे दिया हुआ है। तो अगर आप कंप्लीटनेस चाहते हैं, है ना, यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन, विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स, तो आपको दोनों कोर्सेज साइड बाय साइड ज्वाइन करने चाहिए। तो लेट्स बिगिन। मुझे घर जाना है आई हैव टू गो होम। मुझे स्कूल जाना है आई हैव टू गो स्कूल, ठीक है। मुझे दौड़ना है आई हैव टू रन। 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 मुझे लिखना है आई हैव टू राइट। 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 आपको बोलना है मेरे साथ, है ना, और ऐसा नहीं मन ही मन में आप बोल रहे हैं, आपको बर्बली बोलना है, आवाज आनी चाहिए, ठीक है। आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, क्योंकि कहते हैं कि एक जो टीचर होता है वो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होता है एक तरह से, तो उसे पता है कि किस चीज का क्या इम्पैक्ट आएगा। तो यू मे नॉट रियलाइज कि मैं आपको अभी क्यों कह रहा हूँ कि आपको मेरे साथ बोलना है, बट बिलीव मी, अगर आप बोलते हैं सूनर और लेटर यू विल रियलाइज इट कि हाँ वो जरूरी था। मुझे बोलना है आई हैव टू स्पीक। 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 मुझे खेलना है आई हैव टू प्ले। 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 मुझे एक बुक लिखनी है आई हैव टू राइट अ बुक। मुझे एक बुक लिखनी है आई हैव टू राइट अ बुक। सो डिड यू नोटिस हम इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म होती है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, रन फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, प्ले फर्स्ट फॉर्म, फिर से राइट फर्स्ट फॉर्म। सो व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इज द सेम, हैज टू हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, हमने जो फर्स्ट स्लाइड पे सीखा था वही है, ठीक है। मुझे टीवी देखनी है आई हैव टू वॉच टीवी। मुझे टीवी देखनी है आई हैव टू वॉच टीवी। मुझे टीवी देखनी है आई हैव टू वॉच टीवी। मुझे
थोड़ी देर इंतजार करना है. फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर, मुझे थोड़ी देर इंतजार करना है. आई हैव टू वेट फॉर ए वाइल, आई हैव टू वेट फॉर ए वाइल, आई हैव टू वेट फॉर ए वाइल, मुझे थोड़ी देर इंतजार करना है. आई हैव टू वेट फॉर ए वाइल. जैसे मुझे रवि का इंतजार करना है, आई हैव टू वेट फॉर रवि. मुझे प्रखर का इंतजार करना है, आई हैव टू वेट फॉर प्रखर. मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड. अब देखिए, खाने के लिए हम यहाँ पर ईट फूड भी कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव टू टेक फूड. ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप यूज करिए. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव टू हैव फूड. ठीक है, भी खाने पीने की चीजों के लिए साथ यूज करते हैं हम, और टेक भी करते हैं. ईट तो एक स्पेसिफिक हो ही गया खाने के लिए, बट यू कैन यूज देम ऑल्सो. सो विच एवर यू थिंक इज बेटर यूज. तो मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड. मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड. मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड. गुड. मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट. मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट. मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट. मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट. मुझे आपसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू. मुझे आपसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू. मुझे प्रिंसिपल से बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू द प्रिंसिपल. मुझे प्रिंसिपल से बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू द प्रिंसिपल. मुझे मैनेजर से बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू द मैनेजर. मुझे मैनेजर से बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू द मैनेजर. मुझे मिस्टर खान से बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू मिस्टर खान. आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव टू स्पीक टू मिस्टर खान. ठीक है, मुझे मेरे पापा से बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू माई फादर. मुझे अपने पापा से बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू माई फादर. ठीक है, तो ये स्लाइड आपकी एक हो गई है, काफी आप सीख गए होंगे. अभी चलिए दोबारा देखते हैं कुछ नए टर्म्स. मुझे उसे डांटना है, आई हैव टू स्कोल्ड हिम. मुझे उसे डांटना है, आई हैव टू स्कोल्ड हिम. मुझे उसे डांटना है, आई हैव टू स्कोल्ड हिम. आप समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं, आई हैव टू, और इधर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, आई हैव टू रन. जैसे मुझे दौड़ना है, मुझे लिखना है तो आई हैव टू राइट. मुझे बोलना है तो आई हैव टू स्पीक. ठीक है, मुझे दौड़ना है, हो गया. मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड. ठीक है, या मुझे खाना है, आई हैव टू ईट फूड. चलो फूड लिख देते हैं, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है यहाँ पर, और फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर कुछ आना जरूरी है तो वो लिख दीजिए साथ में. ठीक है, तो मुझे उसे डांटना है, आई हैव टू स्कोल्ड हिम. मुझे यहाँ बैठना है, आई हैव टू सिट हियर. मुझे वहां बैठना है, आई हैव टू सिट देयर. मुझे खड़े होना है, आई हैव टू स्टैंड अप. मुझे खड़े होना है, आई हैव टू स्टैंड अप. मुझे सोना है, आई हैव टू गो टू बेड. या ऐसे भी कह लीजिए, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू गो टू बेड. मुझे सोना है, आई हैव टू गो टू बेड. मुझे सुबह जल्दी जगना है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. देखिए सेंटेंस एक है ना, देखने में आपको लगेगा सेंटेंस एक है. कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसको टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, तो वो टुकड़ों में होता है. जब आप सीख जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि टुकड़े एग्जैक्टली होते कहाँ से हैं, मतलब किस किस जगह से टुकड़े किए जाएं. तो मैंने यहाँ पहला अलग कलर से इसको बता रखा है. तो एक ये हो गया कि आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो थ्री पार्ट्स में हम इसे बोल सकते हैं. ठीक है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई हैव टू वेक अप एट 6 AM. आई हैव टू वेक अप एट 6 AM. ठीक है, मुझे पैदल चलना है. पैदल चलने को बोलते हैं गो ऑन फुट बोलते हैं, सॉरी. यह है, मुझे वॉक पर जाना है, आई हैव टू गो ऑन ए वॉक. मुझे वॉक पर जाना है, आई हैव टू गो ऑन ए वॉक. मुझे पैदल चलना है, आई हैव टू वॉक ऑन फुट. वॉक ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना. मुझे पैदल चलना है, आई हैव टू वॉक ऑन फुट. मुझे दरवाजा खोलना है, आई हैव टू ओपन द डोर. मुझे दरवाजा बंद करना है, आई हैव टू क्लोज द डोर. ये जो मैंने सेंटेंसेस लिए ना, ये कॉमन से सेंटेंसेस है जो जनरली हम अपने घर में, अपने सराउंडिंग में यूज करते हैं. ठीक है, तो ये आपको बहुत जल्दी काम आने वाले हैं. मुझे एक टिकट बुक करना है, आई हैव टू बुक ए टिकट. मुझे एक टिकट बुक करना है, आई हैव टू बुक ए टिकट. अब आपको कुछ करना है, कोई काम करना है, ऐसा कुछ बोलना है, तो मेरे ख्याल से अब आप कंफर्टेबल हो गए होंगे, आप आसानी से सीख गए होंगे ये. तो आप इनको यूज करिए, आज से यूज करिए अपनी सराउंडिंग में, जिससे कि नेचुरली वो चीजें आप बोल पाए. मुझे ऑनलाइन पे करना है, आई हैव टू पे ऑनलाइन. मुझे ऑनलाइन पे करना है, आई हैव टू पे ऑनलाइन. मुझे ऑनलाइन पे करना है, आई हैव टू पे ऑनलाइन. मुझे लाइट ऑन करनी है, आई हैव टू स्विच ऑन द लाइट. आई हैव टू स्विच ऑन द लाइट. आप ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव टू स्विच ऑन द लाइट. आई हैव टू स्विच ऑन द लाइट.
मुझे एसी ऑन करना है, आई हैव टू स्विच ऑन द एसी. मुझे एसी ऑन करना है, आई हैव टू स्विच ऑन द एसी. ठीक है, मुझे लाइट ऑफ करनी है, आई हैव टू स्विच ऑफ द लाइट. मुझे लाइट ऑफ करनी है, आई हैव टू स्विच ऑफ द लाइट. मुझे लाइट ऑफ करनी है, आई हैव टू स्विच ऑफ द लाइट. मुझे फैन ऑफ करना है, आई हैव टू स्विच ऑफ द फैन. मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड. कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो मेक फूड यूज करते हैं, तो जो एप्रोप्रिएट वर्ड है दैट इज कुक, है ना. सो बेटर वे यू यूज कुक रादर देन यूजिंग मेक. सो मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड. मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड. मुझे एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, आई हैव टू ड्रॉ ए पिक्चर. मुझे एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, आई हैव टू ड्रॉ ए पिक्चर. मुझे एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, आई हैव टू ड्रॉ ए पिक्चर. मुझे नहाना है, आई हैव टू बेद. इसे बेद बोलेंगे हम, है ना. एक होता है बी ए टी एच ई, बेद. बेद का मतलब होता है नहाना, है ना. ये वर्ब होती है, हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो हमें बेद हो गया. एक होता है टेक बाथ, ये भी वर्ब होती है, इसका मतलब भी होता है नहाना. ठीक है, एक होता है बात, इसका मतलब भी होता है नहाना, लेकिन ये नाउन होता है ना, वर्ब नहीं होती है. हम नाउन वगैरह सीखेंगे बाद में, तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर हम इसको यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, तो हम बाथ डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, इससे पहले हम टेक लगाएंगे. तो टेक बाथ का मतलब नहाना, तो ये वर्ब है और इसको हम बोलेंगे बेद, है ना. बेद का मतलब नहाना, इसे बाथ नहीं बोलेंगे. तो मैंने बेद यूज किया यहाँ पर, तो आई हैव टू बेद, मुझे नहाना है, आई हैव टू बेद. ठीक है, ये टेक बाथ आ गया, आई हैव टू टेक बाथ, मुझे नहाना है ना. मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाने का मतलब समझ रहे हो ना, सीढ़ियों से ऊपर जाना है. आप कुछ भी सोच लेते हो, तो मुझे ऊपर जाना है, आई हैव टू गो अप स्टेयर्स. तो सीढ़ियां हैं. आप कोई बोल रहा है कि भाई साहब ये वाला फ्लोर या ये वाला रूम कहाँ मिलेगा, तो आप बता सकते हैं कि गो अप स्टेयर्स, है ना. गो अप स्टेयर्स, ऊपर जाइए. नीचे भेजना हो किसी को सीढ़ियों से, तो क्या बोलोगे? गो डाउन स्टेयर्स. तो मुझे ऊपर जाना है, आई हैव टू गो अप स्टेयर्स. मुझे ऊपर जाना है, आई हैव टू गो अप स्टेयर्स. मुझे आपकी कंप्लेन करनी है, आई हैव टू कंप्लेन अगेंस्ट यू, है ना. मुझे आपकी कंप्लेन करनी है, और सिर्फ कंप्लेन करनी है तो आई हैव टू कंप्लेन. मुझे एक बुक लिखनी है, आई हैव टू राइट अ बुक. मुझे एक कार खरीदनी है, आई हैव टू बाय कार. मुझे कार खरीदनी है, आई हैव टू बाय कार. मुझे फ्रेंच सीखनी है, आई हैव टू लर्न फ्रेंच. मुझे स्पेनिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न स्पेनिश. मुझे कुकिंग सीखनी है, आई हैव टू लर्न कुकिंग. मुझे ड्राइविंग सीखनी है, आई हैव टू लर्न ड्राइविंग. मुझे स्किंग सीखनी है, आई हैव टू लर्न स्किंग. ठीक है, आपको जो भी सीखना है आगे आ जाएगा उसमें. मुझे कुकिंग सीखनी है, ये लो. मुझे ड्राइविंग सीखनी है, वेल डन. मुझे अपना घर बेचना है, आई हैव टू सेल माई होम. इजी है ना. मुझे इंतजार करना है, आई हैव टू वेट. मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट. हमें बोलना है अगर कि मुझे आपके साथ खेलना है, आई हैव टू प्ले विद यू, है ना. आपके साथ खेलना मतलब समझ रहे हो ना, कौन सा वाला खेलना, गेम्स वाला, स्पोर्ट्स वाला खेलना. ओके. मुझे आपके पेरेंट्स से बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स. मुझे आपके पेरेंट्स से बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स. मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू माई पेरेंट्स. आई हैव टू टॉक टू माई पेरेंट्स. मुझे तैयार होना है, आई हैव टू गेट रेडी. मुझे 5 मिनट में तैयार होना है, आई हैव टू गेट रेडी इन 5 मिनट्स. मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है, आई हैव टू गेट रेडी फॉर द पार्टी. समझ रहे हो ना. मुझे बाहर इंतजार करना है, आई हैव टू वेट आउटसाइड. मुझे डांस करना है, आई हैव टू डांस. मुझे अपना पेमेंट खुद करना है ना, आई हैव टू गो डच. गो डच का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि है ना, आप एक ये लाइन है, विंडो है, यहाँ पर लोग लगे हुए हैं. ठीक है, यहाँ पर लोग लगे हुए हैं लाइन में इस तरह से, और आप 5 फ्रेंड्स हैं. तो ऐसा तो नहीं है 5 साथ में मूवी देखने गए तो 5 जो अपने अपने टिकट लेंगे लाइन में लग के. तो जनरली होता है कि कोई एक है वो 5 जो टिकट ले लेगा. अब मान लीजिए 200 रुपये का एक टिकट है, तो 5 टिकट 1000 रुपीज के हो गए. तो इसने अपने पॉकेट से पे करके, या फिर सबने इसको दे दिया जैसे भी है, तो मान लेते 1 मिनट के लिए इसने अपने पॉकेट से पे कर दिया है 1000 रुपीज. ठीक है, इन्होंने मूवी देखी. मूवी देखने के बाद अब आप उनमें से एक हो, तो आप कहते हो कि मुझे अपना पेमेंट करना है ना. ठीक है, समझ रहे हो. यू वॉन्ट टू पे फॉर योरसेल्फ, है ना. यू वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, योर अमाउंट. ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आई हैव टू गो डच, है ना. आई हैव टू पे फॉर माई सेल्फ, मुझे अपना पे करना है.
अब मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, आप दो फ्रेंड हो या ज्यादा हो, ठीक है, तो ठीक है गए हो, अच्छी बात है। तो अब बिल पे करना है, ऐसा तो नहीं है यहीं पे आप हिसाब किताब करोगे, तो कोई एक बिल पे कर देगा यहाँ से, और मान लीजिए ये इनको इनको पैसे देने हैं 200 रुपये, क्योंकि इनका 200 रुपये का बिल बना है, तो ये क्या कहना पड़ेगा आपको, आई हैव टू गो डच, ठीक है, मुझे अपना पेमेंट करना अच्छा लगता है, मतलब खुद का पेमेंट करना अच्छा लगता है, तो आई प्रिफर गोइंग डच, मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग, मुझे आपसे कुछ कहना है, आई हैव टू से यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है, आई हैव टू आस्क यू समथिंग, मुझे आपको कुछ बताना है, आई हैव टू टेल यू समथिंग, मुझे आपको कुछ दिखाना है, आई हैव टू शो यू समथिंग, मुझे कॉल करना है, आई हैव टू मेक ए कॉल, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव टू कॉल, और बेटर भी से आई हैव टू मेक ए कॉल, मुझे उसे इनवाइट करना है, आई हैव टू इनवाइट हिम, मुझे उसे इन्फॉर्म करना है, आई हैव टू इन्फॉर्म हिम, मुझे गिटार बजाना है, आई हैव टू प्ले गिटार, मुझे म्यूजिक चलाना है, आई हैव टू प्ले म्यूजिक, ये लो अभी गए नेक्स्ट, मुझे कैश में पे करना है, आई हैव टू पे इन कैश, पिछली स्लाइड्स में हमने ऑनलाइन पे किया था ना, आई हैव टू पे ऑनलाइन, मुझे यह मूवी देखनी है, आई हैव टू वॉच दिस मूवी, मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इस सॉन्ग पर डांस करना है, आई हैव टू डांस ऑन दिस सॉन्ग, मैं ये फास्ट में अभी क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अब तक आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, सो द रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज प्रैक्टिसिंग दैट यू हैव टू डू फॉर ए वाइल, ठीक है, और ऐसा नहीं है आप 1 घंटे इसको लेके बैठे रहें, जस्ट अपनी सराउंडिंग में जब भी जरूरत हो, जब भी इस तरह का सेंटेंस आए जहां पर आपको कुछ करना है, स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंसेस, इंडिविजुअल सेंटेंसेस, मुझे अपने हैंड वॉश करने हैं, आई हैव टू वॉश माई हैंड्स, मुझे अपना होमवर्क करना है, आई हैव टू डू माई होमवर्क, मुझे ऑफिस टाइम पर पहुंचना है, आई हैव टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, एक होता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम सेंटर है, अभी बज रहे हैं 8 और एग्जाम शुरू होगा 9, और एग्जाम वालों ने कह रखा है कि आपको 8:30 तक, ठीक है, आपको सेंटर पर आ जाना है, मान लेते एग्जाम्पल के लिए, तो अब हमारे पास दो केस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप हो, आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है, पहला है 8:30 पर पहुंचना है, एग्जैक्टली 8:30 पर ही पहुंचना है, तो हम यूज करेंगे ऑन, है ना, ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब 8:30 दे रखा है, तो 8:30 पर ही आप पहुंचोगे, अगर आपको बोल रखा है कि इन टाइम पहुंचना है, तो मतलब 8:30 से पहले आपको टाइम रहते पहुंच जाना है, ठीक है, मान लीजिए आप 8:15 बजे पहुंच गए हो, ठीक है, 8:20 8:25 पे पहुंच गए हो, तो इन टाइम यूज होगा वहां पे, लेकिन आप उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचते हो तो ऑन टाइम होगा, तो अब ये क्या है, मुझे ऑफिस टाइम पर पहुंचना है, मतलब मान लीजिए ऑफिस का टाइम 8:30 है, तो मैं तो 8:30 पहुंचूंगा, मुझे मुंबई के लिए निकलना है, आई हैव टू लीव फॉर मुंबई, मुझे नीचे जाना है, आई हैव टू गो डाउन स्टेयर्स, मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आई हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपको भी करना है ये, है ना, क्योंकि मतलब ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी चीजें की जरूरत होगी सब आपको मिलेगी, अगर आपका कोई स्पेसिफिक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि वीडियो आए, आपको नहीं कहीं पर मिल रहा है या आना चाहिए, आपको कहीं कहीं कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आई वुड मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, मुझे अंदर आना है, आई हैव टू कम इन, मुझे बाहर जाना है, आई हैव टू गो आउट, और ये आप समझ लो क्या करना है आपको, सो माई डियर फ्रेंड्स दिस इज वेयर द क्लास एंड्स, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बट प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड क्या आप ये पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है, विदाउट मिस्टेक बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, थैंक यू।